नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योगा का एक कंप्लीट पैकेज। तो हम इस योगा सेशन में आसना और प्राणायाम का तो अभ्यास करेंगे ही, साथ में ध्यान भी करेंगे। तो इस एक घंटे में हम अपने पूरे शरीर को फायदा देंगे, अपने शरीर को, अपने जोड़ों को, अपने मसल्स को, अपने मन को भी। आज के प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो एक कुशन या फिर ब्लैंकेट को मोड़ के पास रख सकते हैं। मैं आपको समझाते रहूंगी जब जब मुझे ऐसा लगा कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आराम तरीके से सुखासना में आ जाएं, अपने दोनों पैरों को मोड़ के। कोई भी प्रेशर नहीं है, आपको जिस तरह से अच्छा लगे पैरों को मोड़ना उस तरह से आप बैठें। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर टिका लें, हथेलियाँ ऊपर की ओर, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ज़मीन पे बैठना थोड़ा कष्टदायक है या आपके कमर पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आप कुशन को अपने हिप्स के नीचे रख के उस पे बैठ जाएं। वरना अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से मैट पे बैठ जाएं, दोनों आँखों को बंद कर लें, पीठ बिल्कुल सीधी और एक लंबी सांस अंदर लेते हुए लंबी सांस बाहर छोड़ें। मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। हम एक मिनट तक यहाँ ध्यान करेंगे और उसके बाद अपने अभ्यास को शुरू करेंगे। मन को बिल्कुल शांत रखें और अब हम धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे, बिल्कुल आराम से। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए और अब हम अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बदकोनासना में आएंगे, जो हमारे हिप के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें, तलवे को जोड़ लें कुछ इस तरह, पीठ बिल्कुल सीधी, और अब अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक करके उसे पैरों पर रख लें। पीठ को सीधा करते हुए अपने पोजीशन को थोड़ा इस्टैब्लिश करें और बस यहाँ पे बने रहें। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को ऊपर और नीचे की ओर भी हिला सकते हैं कुछ इस तरह। इससे आपके हिप्स पे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपका बॉडी भी वार्म अप हो जाएगा, आगे के अभ्यास में बहुत आराम होगा। तो आप चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने बॉडी को वार्म अप करें, हिप्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम यहाँ पे देंगे। पूरे योगा अभ्यास के दौरान अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर उस सवाल का जवाब दूंगी और आपके कन्फ्यूजन को दूर करूंगी। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको अब ज़बरदस्ती अपने घुटने को नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी है, तो आप उतना ही अपने पैर को हिलाएंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगे, कोई प्रेशर नहीं। आमतौर पे इसे बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। बस थोड़ा देर और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाए रखें, टेंशन में अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं डालना है और सांसों को तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है पूरे योगा अभ्यास के दौरान।
एक जगह पे बैठे रहने से कई देर तक हमारा हिप्स बहुत ज़्यादा इमोबाइल हो जाता है, या कहें तो स्टिफ हो जाता है, और जिससे हमें ज़मीन पे बैठना या थोड़ा सा भी काम करना मुश्किल हो जाता है, नीचे झुकना भी मुश्किल हो जाता है। तो हिप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी तरह से आपके शरीर में आए तो आपको बहुत ही आराम होगा, आपकी दिनचर्या में भी। और अब हम धीरे धीरे अगर अपने पैरों को हिला रहे हैं तो उसे हिलाना बंद कर देंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे ले आएं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, पैरों को सामने ले आएं। और अब हम फिर से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और एक बार फिर से सुखासना में आ जाएंगे और थोड़ी साइड स्ट्रेचिंग करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। तो आप सुखासना में आ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने टांगों पर टिकाते हुए, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी। और अब हम धीरे से अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे ले आएंगे, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। अपने दाएं हाथ को भी साइड में ले आएंगे और अब एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। जब आपका दाया हाथ आपके कंधे के बराबरी पे आ जाए तो धीरे से अपने पंजों को उलट लें, आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर। और अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करें और अपने शरीर को बाएं ओर हल्का सा झुकाना शुरू करें। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको दाएं ओर फील होगा। इस बात का ध्यान रहे कि आपको अपने शरीर को आगे या पीछे की ओर नहीं झुकाना है, तो अपनी छाती को बिल्कुल सामने की ओर रखें। जितना हो सके अपने दाएं हाथ को और बाएं ओर शिफ्ट करें। लंबी स्ट्रेच, सांस लेते रहना है, बिल्कुल बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है, सांस लेते रहना है। अपने साइड्स में स्ट्रेच को फील करें और अब धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा कर लें और दाएं हाथ को नीचे ले आएं। और अब हम ये सेम स्ट्रेच बाईं ओर करेंगे। तो अपने दाएं हाथ को पूरी तरह से ज़मीन पर टिका लें, हथेलियाँ खुली, पंजे पूरी तरह से फैले हुए। और अब अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे उठाना शुरू करें, कंधे के बराबरी पे आए तो हथेलियाँ ऊपर की ओर करते हुए पूरी तरह से अपने हाथ को ऊपर उठाएं और दाईं ओर अपने शरीर को झुकाना शुरू करें। आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके बाईं ओर फील होगा। फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अपने शरीर को ना आगे की तरफ झुकाना है, ना बहुत ही पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, बिल्कुल नॉर्मल। कोशिश करें कि अपना पूरा भार अपने दाएं हाथ पे नहीं डालें, थोड़ा अपने शरीर की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को उठाए रखना है, भार दाएं हाथ पे पूरी तरह नहीं डालना है, सपोर्ट की तरह उसे यूज़ करें। और अब धीरे धीरे अपने हाथों को फिर से ऊपर ले आए, शरीर सीधा कर लें और बाएं हाथ को भी ज़मीन पर ले आए। और अब हम अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और अब अपने बाएं हाथ को शरीर के पीछे ले आए और उसे ज़मीन पर टिका ले। या तो पूरी तरह से पंजा आपका ज़मीन पर टिके रहेगा या तो फिर अंगुलियां। और अब अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर रख लें। ध्यान रहे पीठ को सीधा रखना है। अब एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को ट्विस्ट करें। लंबी सांस लेते हुए पीठ को और सीधा करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। सांस लेते रहना है, सांस लेते हुए शरीर को सीधा करने की कोशिश करनी है और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, बस दो बार। और आप चाहें तो अपने साइड में भी देख सकते हैं, अपने गर्दन पे कोई प्रेशर ना बनने दें, या फिर पीछे की ओर, जैसा आपको ठीक लगे। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को सामने से ओर ले आएं, दोनों हाथों को मैट पे टिका लें साइड पे। और अब हम ये सेम ट्विस्ट अपने दूसरी ओर लेंगे। तो अपने दाएं हाथ को पीछे रख लें ज़मीन पे, अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पे टिका लें, बहुत प्रेशर घुटने पे नहीं डालना है। अब एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर। लंबी सांस लेते हुए अपने पीठ को और सीधा करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। ध्यान रहे आपको अपने गर्दन को बहुत प्रेशर में नहीं डालना है। तो अगर आप पीछे की ओर देखते हैं और आपको गर्दन पे प्रेशर फील होता है तो आप साइड देखते रहें, अपने किसी भी शरीर के अंग पे कोई प्रेशर नहीं। ट्विस्ट भी उतना ही करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो सांस लेते हुए हर बार अपने शरीर सीधा करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते रहें अपनी गति के अनुसार।
सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साइड में ले आए, शरीर को सामने की ओर। और अब हम एक और ट्विस्ट लेंगे। जितने भी आसन होते हैं जिसमें अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं या मोड़ते हैं, वो हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हमारी पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जब हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छा सेहत मिलता है। तो अब अपने दोनों पैरों को उठाते हुए अपने सामने ले आएं और अब एक छोटा सा ट्विस्ट लेते हैं। तो अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए कुछ इस तरह से मैट पे ले आएं। आपका बायां एड़ी आपके दाएं हिप्स को टच करते रहेगा। और अब अपने दाएं पैर को उठाते हुए बाएं घुटने के पास ले आएं, बिल्कुल पैरेलल। और अब हम अपने बाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को पकड़ लेंगे, बिल्कुल सिंपल है ट्विस्टिंग ये। और एक लंबी सांस लेंगे, अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा करने की कोशिश करें और दाएं पैर को पूरी तरह से ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करें, उसे साइड की ओर ना गिरने दें। कोशिश करें कि आपका दाया पैर बिल्कुल सीधा रहे। और एक लंबी सांस हम लेंगे, पीठ को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए जितना हो सके अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे दाएं ओर। कोई प्रेशर नहीं, मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी, गर्दन पे कोई प्रेशर ना आने दें। सांस लेते हुए फिर से पीठ को सीधा, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। बस कुछ देर हमें करेंगे अपनी गति के अनुसार। सांस ले, पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। और अब अपने शरीर को धीरे धीरे सामने की ओर ले आए। पहले अपने दाएं पैर को उठाते हुए सामने रख लें इस तरह से, और फिर अपने बाएं पैर को। और अब हम ये सेम ट्विस्ट अपने दूसरी ओर लेंगे। तो अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें, दाएं एड़ी को अपने बाएं हिप्स के पास रख लें, फिर बाएं पैर को उठाते हुए उसे इस तरह से रख लें कि वो आपके दाएं एड़ी के बिल्कुल पैरेलल रहे। और अब फिर से पीठ को सीधा करते हुए अपने दाएं हाथ से हम अपने बाएं घुटने को पकड़ लेंगे, अपने बाएं हाथ को पीछे रखेंगे। एक लंबी सांस लें, पीठ सीधी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांस लेते हुए पीठ सीधी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। जितना कंफर्टेबल लगे आप सिर्फ उतना ही करें, कोई प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। ध्यान रहे आपको सांस लेते रहना है। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अपने बाएं पैर को गिरने बिल्कुल भी ना दें, तलवे को पूरी तरह से ज़मीन से टिकाए रखें। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को सामने की ओर ले आएं और अपने बाएं पैर को पहले रिलीज़ करें, फिर अपने दाएं पैर को भी। ये कुछ ऐसे बिल्कुल सिंपल योगा आसना होते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद फील करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से या फिर वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं है। आप उसका अभ्यास करें साथ मेरे। और अब हम अपने अगले आसन पर चलते हैं। तो अब धीरे से अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल हम अपने मैट पे लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को हम अपने कमर के बराबरी पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास कुछ इस तरह से। अपने ठुड्डी को या अपने सिर को ज़मीन से टिका लें। और अब हम भुजंगासना में आएंगे। आप एक बार मुझे करते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद हम ये साथ करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाना शुरू करें। अपने शरीर का थोड़ा सा भार अपने हाथों पर डालते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ज़मीन पर फिर से ले आएं। सांस लेते हुए हम अपनी छाती को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को ज़मीन पर ले आएंगे। तो अब हम ये साथ प्रैक्टिस करते हैं। एक बात का आपको ध्यान रहे कि अगर आपको ऐसा करते हुए आपके कमर पे ज़रा सा भी प्रेशर फील हो रहा है
तो इसका मतलब है कि आप अपनी छाती को अत्यधिक उठा रहे हैं। ध्यान रहे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अपनी छाती को कितना ऊपर उठा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उससे कितना लाभ पा सकते हैं। तो अपने शरीर को कोल्ड प्रेशर बिल्कुल भी ना दें और अपने दोनों पैरों को ज़मीन से बिल्कुल टिकाए रखें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जब आप अपनी छाती को ऊपर उठा रहे हों तो आपका पैर भी ऊपर उठ रहा हो। पैरों को ज़मीन से टिकाए रखना है। तो चलिए हम साथ शुरू करते हैं। एक और बात, आपको अपने हिप्स को इंगेज रखना है, हल्का सा स्क्वीज करके रखना है। तो उसे बिल्कुल लूज नहीं छोड़े, बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्वीज करके रखें अपने कोर को। और अब हम एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। अपने अपने दृष्टि को आप सामने की ओर ही रखें, ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। और सांस छोड़ते हुए छाती को धीरे धीरे नीचे ले आएं। बस कुछ देर और हम ये करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर। याद दिलाना चाहूँगी फिर से कि आपको सामने देखते रहना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे। कमर पे कोई प्रेशर नहीं। अगर आपको पीठ पे नीचे दर्द हो रहा है तो आप अपने छाती को बहुत ऊपर उठा रहे हैं, थोड़ा नीचे ही रहें। बस कुछ देर और अपनी गति के अनुसार करते रहें। और अब एक आखिरी बार हम साथ करेंगे। और इस बार जब हम अपनी छाती को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ देर ऊपर रहने की कोशिश करेंगे बिना सांसों को रोके हुए। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर ले जाएं। अगर कंफर्टेबल लगे तो बस यहाँ पे 5 गिनती तक बने रहें। सांस लेते रहना है, 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले आए। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास ले आएं, आपकी हथेलियां ऊपर की ओर, और अपने चेहरे को आराम से ज़मीन पर टिका लें, या तो दाईं ओर या फिर बाईं ओर, जैसा आपको ठीक लगे। सांस को लेते रहना है, छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। सांस लेते रहना है, हम छोटा से ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। और अब हम अपने अगले आसन के लिए खुद को तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को छाती के सामने लाते हुए फिर से अपने शरीर को ऊपर उठा लें। और अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं, कुछ इस तरह, और अपने दोनों पंजों को फिर ज़मीन पर टिका लें। अब हम शलभासना करेंगे। तो आपकी दृष्टि ज़मीन की ओर रहेगी, अपने गर्दन को ऊपर बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है। अपने दृष्टि को बिल्कुल नीचे रखें मैट की ओर, और अपने पैरों को बिल्कुल उसी तरह से रखें जैसे हम भुजंगासना में रखे थे। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरह, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। सांस भरते हुए इस बार अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अपनी गति के अनुसार आप करते रहें। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को ऊपर उठाएं, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को ऊपर उठाएं, और सांस लेते हुए नीचे। अपनी गति के अनुसार आप कुछ देर और करेंगे। बस एक आखिरी बार सांस लेते हुए दाएं हाथ और बाएं पैर को उठाएं, और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेते हुए बाएं हाथ और दाएं पैर को उठाएं, और सांस छोड़ते हुए नीचे। और अब
अपने शरीर को धीरे धीरे उठाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास ले आए। अब हम अपने दाएं हाथ को मोड़ते हुए बिल्कुल मैट की चौड़ाई में ले आएंगे, कुछ इस तरह। ध्यान रहे आपका दायां कंधा और आपकी दाईं कोहनी एक लाइन में रहेगी। और अब हम धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करेंगे। अगर आपको आराम लगे तो आप धीरे से अपने बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ लें, कुछ इस तरह, और उसे अपने मैट की ओर लाने की कोशिश करें। अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए आपको बाएं पैर को ज़मीन की ओर लाते रहना है, अपने शरीर के पास, लेकिन कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल। सांस लेते रहेंगे, इसे बेक आसना कहते हैं। ये आपके पैरों के लिए बहुत लाभदायक है, आपके पैरों में ताकत भी लाता है, साथ ही साथ आपके हिप फ्लेक्सेस और क्वाड मसल्स को बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सांस लेते रहें और अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को छोड़ के अपने बाएं हाथ को सामने की ओर ले आए। बिल्कुल झटके से अपने बाएं पैर को नीचे नहीं रखना है, आराम से रखना है। और अब हम अपने बाएं हाथ को इस तरह से मोड़ते हुए अपने शरीर के सामने ले आएंगे, छाती के बिल्कुल नीचे। और अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अब अपने बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करें, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। सांस लेते रहना है। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको किसी एक तरफ झुकना नहीं है, आपका हिप्स, आपका कमर दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से मैट पे बने रहेगा। सांस लेते रहे। और अब धीरे धीरे हम अपने दाएं पैर को छोड़ेंगे। बहुत झटके से अपने दाएं पैर को नीचे नहीं लाना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उसे मैट पे ले आए वापस। और अब हम अपने पीठ के बल आ जाते हैं, तो अपने शरीर को घुमाते हुए आप अपने पीठ के बल लेट जाएं मैट पे। और अब हम कुछ आसना यहाँ पे करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को पहले मोड़ के अपने हिप्स के पास ले आएं, अपने कमर को हल्का सा उठाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे टिका लें। हथेलियाँ नीचे की ओर रहेंगी और अब अपने दोनों पैरों को बाहर की ओर फैला लें, सामने की ओर। और अब हम एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे बायां ज़मीन से टिके रहेगा और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को नीचे ले जाएंगे। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को जमीन से टिकाते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को नीचे ले जाएंगे। एक बात का ध्यान रहे कि आप अपने पैर को सिर्फ उतना ही उठाएंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो अगर आपका पैर यहाँ तक उठ रहा है तो भी ठीक है, यहाँ तक तो भी ठीक है, और बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे आ जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन बहुत आगे लाने की कोशिश ना करें। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही करना है। तो अब आप अपनी गति के अनुसार शुरू कर सकते हैं। लंबी सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दायां पैर नीचे, सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को उठाएं और सांस छोड़ते हुए बायां पैर नीचे करते रहें। ये आपके पैरों को बहुत अच्छी मजबूती देता है, साथ के साथ आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये आपके कोर मसल्स को भी बहुत मजबूत बनाता है। तो अपने कोर को थोड़ा इंगेज करके इस अभ्यास को करें। कोशिश करें कि आप अपने पेट से सांस ना लें, पेट को हल्का सिकोड़ते हुए छाती से सांस लेने की कोशिश करें।
बस एक आखिरी बार दाएं पैर को उठाते हुए फिर नीचे ले आए और फिर बाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर को भी नीचे ले आए और अब अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए धीरे से अपने कमर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल लें और अब हम पवन मुक्तासना करेंगे। हम एक एक करके अपने दाएं और बाएं साइड करेंगे। तो अब अपने दाएं पैर को मोड़ कर ही रखें और बाएं को बिल्कुल सीधा करते हुए ज़मीन पर ले आएँ। आपकी बाएं एड़ी ज़मीन पर टिकी रहेगी और अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने शरीर के पास लाएं, छाती के पास, और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके या तो घुटने के नीचे पैरों पर टिका लें या फिर जांघों के पीछे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, और अपने दाएं पैर को अपने शरीर अपने छाती की ओर लाना शुरू करें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे हम कुछ देर बने रहेंगे, सांस लेते रहना है। सांस लेते हुए अपने पीठ को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए और भी ज़्यादा घुटने को पास लाने की कोशिश करें। ध्यान रहे आपको सांस छाती से लेते रहना है, तो अपने पेट को हल्का सिकोड़ के रखें, सांस लेते रहें। चाहे तो आप अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं इस आसन में। बहुत प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालना है। और अब एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दाएं पैर को छोड़ते हुए उसे सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को फिर से मोड़ते हुए उसे पवन मुक्तासन में ले आएं और घुटने को पास लाएं। सांस लेते हुए फिर से अपने दाएं पैर को सीधा कर लें, सांस छोड़ते हुए फिर से उसे पास ले आएं। बस हम तीन बार और करेंगे। सांस लेते हुए पैर को सीधा, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को पास, सांस लेते हुए दायां पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ते हुए पास ले आए। एक आखिरी बार सांस लेते हुए दाएं पैर को सीधा और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को पास ले आए छाती से। और अब अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए ज़मीन पे ले आए और फिर बाएं को भी मोड़ लें। और अब हम ये सेम चीज़ दूसरी ओर करेंगे। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को सीधा कर लें, एड़ी को ज़मीन से टिका लें और अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए छाती के पास ले आएं। अब चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने जांघों के पीछे टिका सकते हैं या फिर अपने घुटने के नीचे पैरों के सामने। एक लंबी सांस लें, पीठ को बिल्कुल सीधा करें और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को छाती के पास लाना शुरू करें। और अब हम कुछ देर यहाँ बने रहेंगे। पेट को कोशिश करें अंदर सिकोड़ने की, अपने लोअर बॉडी अपने हिप्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें और सांस छाती से लें। बिल्कुल कंफर्टेबली यहाँ पर रहें, कोई प्रेशर नहीं डालना है और अपने कमर को ज़मीन से ऊपर नहीं उठने देना है। अपने पूरे पेट को अच्छे से ज़मीन से टिकाए रखना है। आप हमेशा ध्यान देंगे आपके दाएं और बाएं साइड में हमेशा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा अंतर होता है। आपका एक साइड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है दूसरे साइड से। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बायां साइड थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सांस लेते हुए पीठ को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए छाती के और पास लाने की कोशिश करें अपने घुटने को, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, प्रेशर नहीं डालना है। अपने दाएं पैर को टिकाए रखना है ज़मीन पे। सांस लेते रहें, सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अपने लोअर बॉडी को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने पेट को सिकोड़ते हुए कोशिश करें कि आप छाती से सांस लें। और अब एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए छाती के पास ले आएं। सांस लेते हुए पैर को फैला लें और सांस ले छोड़ते हुए उसे पास ले आए। सांस लेते हुए फिर से अपने बाएं पैर को फैला लें
और सांस छोड़ते हुए उसे पास ले आए। सांस लेते हुए बाएं पैर को फैलाएं और सांस छोड़ते हुए उसे पास ले आए। बस दो बार हम ये और करेंगे अपनी गति के अनुसार। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को जमीन पे ले आए। पैर अभी भी मोड़ा रहेगा और अब अपने दाएं पैर को भी मोड़ लें और अब अपने दाएं और बाएं पैर को मैट के चौड़ाई पे ले आए, बिल्कुल मैट से चौड़ाई में। और अब अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल पे, हथेलियां नीचे की ओर। और अब अपने दोनों पैरों को दाईं ओर गिराना शुरू करें कुछ इस तरह। फिर अपने पैर को सीधा करते हुए और अब बाईं ओर गिराएं। अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट दे रहे हैं। अपने पैरों को बिल्कुल नेचुरली गिराना है, कोई प्रेशर नहीं लाना है घुटनों को जमीन की ओर लाने के लिए, बिल्कुल नेचुरल। बहुत अच्छा ट्विस्ट है ये आपकी स्पाइन के लिए भी, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी। पूरे टेंशन को आपके बॉडी से रिलीज कर देता है। जब भी आपको योगा आसन करें, कोई भी अभ्यास करें, पूरे दिल से करें, कोई प्रेशर लेके नहीं कि हमें बहुत कुछ अच्छा कर जाना है, आज ही सब कुछ कर जाना है, वैसा नहीं। जितना आपको अच्छा लगे उतना ही करें और चेहरे पर हंसी से मुस्कुराहट लाते हुए करें। तो आप जितना ही हंसते हुए खुश होते हुए करेंगे योगा अभ्यास को, उतना ही आपको फ़ायदा होते रहेगा। बस दो बार और हम अपने दाएं और बाएं साइड अपने पैरों को गिराएंगे। अपने पैरों को सीधा कर लें और अब हम सेतु बंध आसना में आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को फिर से अपने शरीर के पास ले आएं, पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास ले आएं और दोनों हाथों को बिल्कुल अपने शरीर के पास, शरीर की लंबाई में। आपकी हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी और अब हम आपकी हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी और कोशिश करें कि अपनी हथेलियों से आप अपने पैरों को छू पाएं, कुछ इस तरह अपनी एड़ी को छू पाएं। अपनी कमर को बिल्कुल अच्छी तरह से जमीन पर टिकाए रखें। कमर ऐसा उठा हुआ नहीं रहना चाहिए, आर्च नहीं रहना चाहिए नीचे। कोशिश करें अपने पेल्विक फ्लोर को इंगेज करते हुए पीठ को बिल्कुल अच्छी तरह जमीन पर ले आने के। आपके पीठ में अगर कर्व आ रहा है तो इसका मतलब कि आप अपने कोर को इंगेज नहीं कर रहे हैं। तो पीठ को सिकोड़ते हुए कोशिश करें अपने पीठ को जमीन पर लाने की। ये बहुत ज़रूरी है सेतु बंध आसना के पहले, क्योंकि अगर आपके बॉडी का एंगेजमेंट लूज़ हो जाएगा तो आपके बॉडी को सही तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचेगा और आपको करने में भी बहुत कष्ट होगा, आप अपने शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं। तो अपने पेट को सिकोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास ले आए कुछ इस तरह। आप एक बार मुझे करते हुए देख लें और फिर हम ये साथ करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए मैं अपने दोनों पैरों को जमीन पर अच्छी तरह से टिकाते हुए अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करूंगी कुछ इस तरह। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर को जमीन पर टिकाएंगे। सांस लेते हुए फिर से अपने कमर को इंगेज करते हुए ऊपर की ओर लाना है और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर। और अब हम एक साथ करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को फैला के कुछ इस तरह से रखें कि आप अपनी एड़ियों को छू सकें और अब अपने कोर को इंगेज करें। आपका पीठ जमीन पे बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ। और अब एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करें और सांस छोड़ते हुए उसे नीचे ले आए। एक और बात का ध्यान रहे कि सेतु बंध आसना करते वक्त आपको अपने पैरों को इंगेज रखना है, तो आपका घुटना बाहर की ओर नहीं गिरेगा, बिल्कुल आपका घुटना ऊपर की ओर रहेगा। अपने बॉडी को इंगेज करने की कोशिश करें और अपने हाथों का इस्तेमाल पूरी तरह से ना करें ऊपर लाने के लिए, अपने शरीर के बॉडी के इंगेजमेंट को यूज़ करें। तो बस हम ये 5 बार और करेंगे।
एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे एक, सांस लेते हुए आपका कमर ऊपर की ओर और सांस लेते हुए नीचे दो, सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे, बस दो बार और, सांस लेते हुए कमर ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे, एक और आखिरी बार, सांस लेते हुए कमर ऊपर की ओर और कुछ दिन हम अपने कमर को ऊपर ही बनाए रखेंगे। ध्यान रहे अपने बॉडी पे प्रेशर ना डालें, अगर आपको लगे कि आपसे ऊपर नहीं रहा जा रहा है तो नीचे आ जाएं और सांसों को भी लेते रहें, सांसों को रोकना नहीं है, बस पांच गिनती तक, एक दो तीन चार और पांच, और अब धीरे धीरे अपने कमर को नीचे ले आएं और मैट से टिका लें, अपने बॉडी को रिलीज करें हल्का। और अब हम एक आखिरी ट्विस्ट लेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हर सेतु बंधा आसना या फिर धनुरासना के बाद, जिससे कि आपका शरीर के प्रेशर, आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रेशर हो वो रिलीज हो जाए। तो अपने दोनों हाथों को फिर से बाहर की ओर फैला लें 90 डिग्री एंगल पर अपने शरीर से, अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और लंबी सांस लें, कमर बिल्कुल अच्छे से ज़मीन पर बना हुआ, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को बाईं ओर गिराना शुरू करें, आपकी दृष्टि या तो ऊपर की ओर या आपके दाएं हाथ की अंगुलियों की ओर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर पर भी रख सकते हैं, दाएं जांघों पर भी, कुछ इस तरह। बस यहाँ पे बने रहे कुछ देर, हम यहाँ सांस लेंगे। एक बात का ध्यान दें, अगर आपका बायां घुटना ज़मीन से नहीं टच हो रहा है और आप सिर्फ इतना ही मुड़ पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने शरीर पर कोई प्रेशर ना डालें। और अपने दाएं कंधे को ज़मीन से बिल्कुल भी ना उठने दें, कोशिश करें कि अपने दाएं कंधे को पूरी तरह से आप ज़मीन पर टिकाए रखें। सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है, गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं, तो अगर आप अपने दाएं हाथ की ओर नहीं देख पा रहे हैं तो ऊपर देखते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाना शुरू करें, और अब हम ये सेम ट्विस्ट अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो अब आप एक लंबी सांस अंदर भरें, कमर को अच्छे से जमीन पे बनाते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को दाएं ओर झुकाना शुरू करें, आपकी दृष्टि या तो ऊपर की ओर या फिर आपके बाएं हाथ की अंगुलियों की ओर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आपका बायां कंधा बिल्कुल अच्छी तरह ज़मीन पे बने रहेगा, उसे ज़मीन से उठने ना दें, अच्छे से ज़मीन से टिकाए रखें। और आप चाहें तो अपने दाएं हाथ को अपने बाएं जांघ पर टिका सकते हैं, बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बस हम कुछ देर यहाँ रहेंगे। आज का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, अगर आप रोज इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर में आपको बहुत ही बेहतरीन फर्क नज़र आएगा, आपकी पाचन शक्ति तो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, आपको गैस की शिकायत हो तो वो भी चली जाएगी, आपके शरीर को बहुत ही ताकत मिलेगा, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये सब भी धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन योगा अभ्यास के समय एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अपने बॉडी को प्रेशर में ना डालें, अपने शरीर को सिर्फ उतना ही ट्विस्ट या बेंड करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे, ज़बरदस्ती अपने बॉडी पे प्रेशर ना डालें। सांस लेते रहना है, सांसों को कभी भी नहीं रोकना है, इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें। और अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना शुरू करें, और अब हम अपने दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और शवासना में आने की तैयारी करेंगे। तो आप अपने दोनों पैरों को फैला लें सामने की ओर, आपका पैर बिल्कुल रिलैक्स, और अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें, हथेलियाँ ऊपर की ओर,
आप अपने आप चाहे तो अपने शरीर को हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल तरीके से आ जाएं शवासना में, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से शवासना में आ जाएं, आंखें बंद। और अब हम 2 मिनट तक शवासना में बने रहेंगे बिल्कुल शांति से, जिससे कि हम अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर सकें और अपने शरीर में ठहराव को महसूस करें। अपने सारे टेंशन को आप बिल्कुल भूल जाएं। तो इस योगा मैट में आप अपने मन को शांत करने आए हैं, तो किसी भी तरह के टेंशन को अपने शरीर या अपने मन तक बिल्कुल भी ना पहुंचने दें। एंड बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे धीरे हम शवासना से बाहर आएंगे। आप अपनी आंखों को बंद ही रखें और अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ को फैलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, सिर से ऊपर। एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने दाएं या बाएं ओर मुड़ जाएं। आँखों को बंद ही रखना है, हम कुछ देर यहाँ पे रहेंगे। आँखों को बंद ही रखना है, बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए अब सुखासना में आ जाए। अब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस साथ में करेंगे। अपने बॉडी को एडजस्ट कर लें, उसे कंफर्टेबल तरीके से सुखासना में ले आएं। अब चाहे तो वज्रासन में भी आ सकते हैं। वज्रासन में आने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ के कुछ इस तरह से मैट पे बैठ जाना है। तो अगर आपको सुखासन कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तो आप वज्रासन में भी आ सकते हैं। क्योंकि मुझे सुखासन ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं आराम से बैठ जाऊँगी मैट पे दोनों पैरों को मोड़ते हुए। और आज हम 3 प्राणायाम साथ करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर करेंगे लेकिन अच्छी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर नारी शुद्धि, अनुलोम विलोम और अंत में भ्रामरी।
कपाल भाति के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर टिकाना है चिन मुद्रा में हाथों को रखते हुए। चिन मुद्रा में लाने के लिए आप अपनी पहली अंगुली और अंगूठे को जोड़ लेंगे और बाकी तीन अंगुलियां बाहर की ओर। अपने दोनों हाथों को चिन मुद्रा में रखते हुए हम अपने घुटने पर टिका लेंगे और अब हम दो राउंड कपाल भाति का करेंगे और दोनों राउंड में 30 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। कपाल भाति करने के लिए आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, आंखों को बंद और फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा और सांस अंदर लेने की क्रिया बिल्कुल ऑटोमेटिक होगी। आपको कोई प्रेशर नहीं डालना है, तो बस आपको सांस बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है, सांस अंदर लेने की क्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। दो राउंड हम एक साथ करेंगे, दोनों राउंड में 30 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। गति को अपने अनुसार ही रखना है और अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। भाव को बिल्कुल भी नहीं सुकोड़ना है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा और अब हम खुद को दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे। तो अपने भाव को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें, चेहरा रिलैक्स, पीठ सीधी और अब हम दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। सांसों में आए ठहराव को महसूस करें और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। और अब हम नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम एक साथ करेंगे। मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ उसे करने का सही तरीका, फिर हम ये साथ करते हैं। तो अपने बाएं हाथ को चिन मुद्रा में बनाए रखें, दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए नासिक मुद्रा में हमें लाना है। नासिक मुद्रा में लाने के लिए आप अपने पहली दो अंगुलियों को अंदर की ओर मोड़ लेंगे और आपका अंगूठा और बाकी दो अंगुलियां बाहर की ओर। और अब आप अपने दाएं हाथ को अपने चेहरे के सामने ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, नाक को दाईं ओर से बंद करते हुए एक लंबी सांस हमें बाईं ओर से अंदर खींचना है और गिनती करनी है एक एक। नाक को दोनों ओर से बंद करते हुए चार गिनती, एक दो तीन चार। फिर अंगूठे को दाईं ओर से हटाते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे और दो गिनती, एक दो। अब सांस दाईं ओर से अंदर भरेंगे और एक गिनती, एक। नाक को दोनों ओर से बंद करते हुए सांस रोकेंगे और चार गिनती, एक दो तीन चार। अब दोनों उंगलियों को नाक के बाईं ओर से हटाते हुए सांस बाईं ओर से बाहर छोड़ेंगे और दो गिनती करेंगे, एक दो। और ऐसा करने से हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो हम सबसे पहले नाक को दाईं ओर से बंद करते हुए सांस बाईं ओर से अंदर लेंगे, सांस रोकेंगे चार गिनती तक, फिर दाईं ओर से छोड़ते हुए दो गिनती करेंगे, फिर सांस दाईं ओर से अंदर भरेंगे एक गिनती करेंगे, रोकेंगे चार गिनती करेंगे और छोड़ते हुए दो गिनती करेंगे। तो ध्यान रहे आपको एक रेशियो मेंटेन करना है सांस अंदर लेने का, सांस छोड़ने का और सांस को रोकने का। एक गिनती तक हम सांस अंदर लेंगे, चार गिनती तक रोकेंगे और दो गिनती से बाहर छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है, हार्ट कंडीशन है, वर्टिगो
या एपिलेप्सी है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन में हैं, तो आपको सांसों को रोकना नहीं है। आप एक ओर से सांस भरेंगे, दूसरी ओर से छोड़ेंगे, फिर दूसरी ओर से सांस भरते हुए पहली ओर से छोड़ देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चेहरे पे बिल्कुल भी तनाव नहीं, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। हम नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम 5 मिनट साथ करेंगे और अब हम एक साथ शुरू करते हैं। दाएं हाथ को नासिक मुद्रा में लाते हुए अपने चेहरे के सामने ले आए, बायां हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में घुटने पे टिका हुआ, और एक साथ शुरू करते हैं। आप इस प्राणायाम में बने रहें, आंखों को बंद ही रखें। नाड़ी शुद्धि एक बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है जो आपकी पूरी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, तो आपके शरीर को एक बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है। यह आपकी पाचन शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है। जिन्हें भी सांस संबंधी कोई भी समस्या हो, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में देता है, जिससे कि आपका ब्लड बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजनेट हो जाता है। ये आपके शरीर को बहुत ही अच्छी सेहत देता है, आपकी बॉडी में एक अच्छी ऊर्जा पैदा करता है, जिससे आपको आलस्य भी नहीं आता है, नींद भी बहुत अच्छी तरह से आती है, और कोई भी तनाव संबंधी समस्या अगर हो आपको, तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। मैं हमेशा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कोई भी प्राणायाम करें तो अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, चेहरे पर कोई भी तनाव बिल्कुल भी ना आने दें, और पीठ सीधी, पीठ को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। पीठ जब आपकी सीधी रहती है तो आपके लंग्स को बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाता है, तो अपने शरीर को सिकोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से बिल्कुल सीधा रखना है पीठ को। और अब हम बस 1 मिनट और अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि करेंगे। आप बने रहें।
अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को विचिन्न मुद्रा मिलाते हुए अपने घुटने पर टिका लें। बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अब हम बस 3 बार भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी भी एक बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, तो आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा पर बनाए रखें या फिर अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें। पहली अंगुली आपके भाव के ऊपर, बाकी 3 अंगुलियों से आपको अपनी आंखों को बंद करना है। अब हम एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस बाहर छोड़ते मकारा का उच्चारण करेंगे कुछ इस तरह। तो हम ये 3 बार एक साथ करेंगे और आप भ्रामरी को करते वक्त अपने पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करें, प्रमुख रूप से आपकी गर्दन के ऊपर, और अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। अपने दोनों अंगूठे से आप अपने कान को बंद कर लें, पहली अंगुली भावों पे, बाकी 3 आपकी आँखों पे, और अब हम एक साथ शुरू करते हैं। एक लंबी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए माँ कारा का उच्चारण। एक लंबी सांस अंदर भरे, सांस छोड़ते हुए मां कारा को उच्चारण। एक और बार हम एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए मकारा को उच्चारण। और अब धीरे धीरे अपने आंखों से अपने हाथ को हटाते हुए अपने घुटने पे टिका लें, आंख अभी भी बंद। और अब हम अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बिल्कुल बंद, भाव को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, और कुछ देर हम यहाँ पे ध्यान मुद्रा में रहेंगे। तो अपने सारे टेंशन को भूलते हुए अपने मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिना सिकोड़ने दें। हम बस 3 मिनट यहाँ पे बने रहेंगे और अपने शरीर को नोटिस करिए कि आपका शरीर कैसा रहता है इस 3 मिनट शांति में। बहुतों के लिए 1 मिनट भी शांत बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो आप बिल्कुल नॉर्मली सांस अंदर करें, सांस बाहर छोड़ें और मन को बिल्कुल शांत कर दें।
और अब हम अपने आंखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान मुद्रा से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने ले आए नमस्कार मुद्रा में और दोनों हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में थोड़ी गर्माहट लाएं और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आए आंखों के ऊपर। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। धीरे धीरे अपने चेहरे को हल्का सा मसाज दें और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस सेशन को इस तरह से बनाया था कि इसे हर उम्र के लोग कर सकें, बिल्कुल आराम से कर सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने मम्मी पापा चाचा चाची सारे अंकल आंटी सबको फॉरवर्ड करें, अपने दादा दादी सबको फॉरवर्ड करें, जिससे कि हर कोई इस अभ्यास को कर सके और हर किसी को योगा आसन का फ़ायदा मिल सके। तो आप चाहें तो वीडियो को चलाकर अपने घर के बड़े बुजुर्ग को बिल्कुल अच्छे से मैट पर बैठाएं और बोलें कि रोज़ योगा अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदा होगा उनके सेहत के लिए। अभी समय ऐसा चल रहा है कि हमें अपनी इम्यूनिटी, हमें अपने शरीर के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो अपने शरीर को अपने सेहत को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। मैं ऐसे एक घंटे के और कई सारे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप ऑल्टरनेट करके बहुत सारे वीडियो को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये अभ्यास मेरे साथ करके कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। तो मैं अगले सेशन में फिर से आपसे मिलने की उम्मीद रखती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी ध्यान दें। धन्यवाद।